नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मरहूम शिंजो आबे जी की, और उस पर एक बहुत जो दुखद बात है वो ये है कि चाइना की तरफ से बहुत सारे कमेंट आए, चाइना में बहुत सारी खुशियां मनाई जा रही हैं। दूसरी बात ये भी है, अभी कुछ देर पहले अगर कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने कुछ कहा हो या शोक जाहिर किया हो तो मैं बता नहीं सकता, कांग्रेस का कोई कमेंट नहीं आया। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के बड़े मिनिस्टरगण, भारत के मुख्यमंत्रियों ने या भारत के जो गणमान्य लोग हैं उनने एक शिष्टाचार के नाते अपनी बात कही। किसी ने ट्विटर पर कहा तो किसी ने संदेश भेजा तो किसी ने जो जिस माध्यम से अपनी बात कह सकता था शिंजो आबे जी के लिए, उन सब ने अपना अपना बयान दिया सिवाय कांग्रेस के बड़े नेताओं के। राहुल गांधी जो कि चाइना के साथ एक ट्रीटी साइन किए बैठे हैं, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस का कौन सा गठबंधन है पता नहीं, लेकिन शिंजो आबे जो अपने आप में एक यूनिक लीडर हैं, सवाल ये पैदा होता है कि उनके लिए चाइना इतना बुरा बुरा क्यों कह रहा है। चाइना को क्या समस्या है किसी प्रधानमंत्री के परिवार को, किसी देश की एक क्षति हुई है तो उस क्षति से क्या समस्या है, मैं उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा कि आखिर उनको क्या समस्या है। भारत के विषय में तो जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस समय वो मुख्यमंत्री थे तब से लेकर अब तक उनके बहुत अच्छे संबंध शिंजो आबे जी से रहे हैं, और शिंजो आबे जी के प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री तब हो गए थे जब जिस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, और तब से जापान की कई यात्राएं उन्होंने की और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखे। मोदी जी के व्यक्तिगत संबंध भी शिंजो आबे जी के साथ थे क्योंकि वो उनको अपना मित्र मानते थे, और मुझे लगता है कि शिंजो आबे जी ने जापान की तरफ से भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट और भारत को वो टेक्नोलॉजियाँ देना जो चाइना के पास होती हैं वो सब कुछ काम किया। विश्व में भारत की छवि को सुधारना, भारत का पक्ष रखना, ये शिंजो आबे जी प्रधानमंत्री रहते करते रहे। हालांकि उनके दोनों सक्सेसर, जब शिंजो आबे जी ने 2020 में सत्ता दी और उसके बाद 2021 में नए प्रधानमंत्री बने, वो भी चूंकि शिंजो आबे जी की ही लाइन पर चलने, उसी पार्टी के सदस्य थे, और उनके यहां सक्सेशन किसी चुनाव की वजह से नहीं हुआ, लंबे समय से, मैं समझता हूं 2001 से लगातार जापान में जिस पार्टी का शासन है उसी को आबे जी उसी को बिलोंग करते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भारत के इतने अच्छे संबंध हैं तो क्या चाइना ये चाहेगा कि भारत के साथ संबंध अच्छे होने की वजह से हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। भारत के साथ जो संबंध हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन शिंजो आबे जी की तीन पीढ़ियों का वो ननिहाल पक्ष से या उनके पितामह के पक्ष से, दोनों पक्षों की तरफ से चाइना से विशेष कन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैं आपको उसके विषय में बताना चाहूँगा कि शिंजो आबे जी के नाना, जो कि जापान के 1945 से पहले चीफ इकोनॉमिक हुआ करते थे, और उनकी खास बात ये थी, उनका नाम मैं आपको बता दूँ, निवोसुके किशी, ये डी फैक्टो इकोनॉमिक किंग हुआ करते थे चाइना, आज जो चाइना के पास बहुत बड़ा हिस्सा है उसके, और मंचूरिया जो चाइना ने कब्जा करके रखा उसके। मैं आपको बता दूं कि 1945 से पहले जापान विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था और उसके पास जमीन भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। वो जमीन चाहे आज कोरिया के रूप में दो नेशन बने हों या फिर चाइना ने वो जमीन उनसे ज़बरदस्ती ली हो, चूँकि जापान जब विश्व युद्ध में हार गया और अमेरिका ने उस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद मंचूरिया उसको छोड़ना पड़ा, उसको नॉर्दर्न चाइना छोड़ना पड़ा, उसको आउटर मंगोलिया छोड़ना पड़ा, ये बहुत से इनर मंगोलिया छोड़ना पड़ा, ये बहुत सारे टेरिटरीज हैं जो कि छोड़ दिए और उसके बाद चाइना ने कब्जा कर लिया। मैं अगर कहूं कि आज चाइना के पास 25-30% टेरिटरी ऐसी है जो 1945 से पहले जापान के पास हुआ करती थी, तो शिंजो आबे के नाना जी जो हैं वो किशी जी, वो डी फैक्टो इकोनॉमिक किंग हुआ करते थे नॉर्दर्न चाइना जो आज का है वो,
और जो मंचूरिया होता था या आउटर मंगोलिया होता था, या सॉरी इनर मंगोलिया होता था, इसके वो बहुत बड़े किंग थे, मतलब उस पर ऑक्यूपेशन किया था, उनका कब्जा था, और कब्जे के रूप में चीफ इकोनॉमिक जो 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 इकोनॉमी वहाँ की है वो देखा करते थे। हम सब जानते हैं कि 1945 से पहले जब विश्व युद्ध ख़त्म नहीं हुआ था, उससे पहले बहुत सारे देशों ने दूसरे देशों के ऊपर उपनिवेश बनाकर रखा था। तो हम अगर कहें कि जापान का एरिया बहुत बड़ा होता था, यहाँ तक कि जापान के बारे में जब 1945 का जब 1939 में विश्व युद्ध छिड़ा, तो विश्व युद्ध के समय पर जिस इंडोनेशिया की आज हम लोग बात करते हैं, वो भी जापान के कब्जे में आ चुका था, क्योंकि इंडोनेशिया पर शासन उस समय डच कर रहे थे और डचों को जर्मनी ने हरा दिया था। तो जर्मनी जब डच जर्मनी ने डच को हरा दिया, तो डच के जो रूलर्स होते थे वो इंग्लैंड में जाकर बैठे थे, वहाँ से वो इंडोनेशिया को कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि वहाँ जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे थे इंडोनेशिया में, वहाँ से कंट्रोल कर रहे थे। हकीकत ये है कि युद्ध के समय पर जापान ने उस पर कब्जा कर लिया था, जापान भारत की तरफ भी आया था, यानी कि जापान विश्व की, एशिया की मैं अगर कहूँ तो सबसे बड़ी शक्तियों में एक हुआ करता था, जैसे भारत उस समय बहुत बड़ी शक्ति थी। हाँ, बस कमी ये थी कि भारत भी उस समय अंग्रेजों के कब्जे में था, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं, वो ये है कि जापान बड़ी शक्ति था, और जापान में शिंजो आबे के नाना और शिंजो आबे के बाबा दादा, मतलब उनके ग्रैंडफादर, दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। और जिस समय चाइना कब्जा कर रहा था, चूंकि शिंजो आबे के नाना की गिरफ्तारी हो गई थी क्रिमिनल, वॉर क्रिमिनल के रूप में, जब जिस समय अमेरिका ने जापान पर कब्जा किया है, तो चीफ वॉर क्रिमिनल उनको कहा गया था, और बाद में हालांकि उनको छोड़ा गया और फिर से वो सिस्टम में आए, वो अलग बात है। लेकिन मैं जहां तक बताना चाहता हूं कि चीन ने जो बाद में कब्जा किया, नहीं, कम्युनिस्टों ने 1949 में जब कब्जा किया चीन पर, और उन्होंने अपनी टांगें बढ़ानी शुरू की और जापान की टेरिटरीज को घेरना शुरू किया, जापान की टेरिटरी को जो जापान के कब्जे में हुआ करती थी उसको कब्जा करना शुरू किया उस समय, और उससे पहले भी, हालांकि चीन और जापान का कन्फ्लिक्ट कोई नया कन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत पुराने कन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन फिर भी ये परिवार दोनों ही जीवित हैं, ननिहाल का परिवार शिंजो आबे का, आबे जी का, और इधर शिंजो आबे जी का अपना परिवार, दोनों ही चाइना से लड़ते रहे और दोनों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए शिंजो आबे का चूंकि परिवार ही ये कम्युनिस्टों के विरुद्ध रहा है, मैं बात करूं अगर शिंजो आबे जी के अपने ग्रैंडफादर की, केन आबे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य हुआ करते थे, लंबे समय तक रहे, और वो कुल मिलाकर CCS भी रहे। मैं आपको ये बात बता दूं कि जापान में CCS का मतलब है चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी, बहुत बड़ी भूमिका में होता है। शिंजो आबे जी खुद भी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, फिर उन्होंने अपने स्थान पर जिसको बिठाया वो भी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ही थे उनके, और इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो भी उनके ये चीफ सेक्रेटरी थे। तो चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री का चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी वो प्रधानमंत्री का सारा काम करता है ये, और उतनी ही हैसियत रखता है। इसलिए जो चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ज्यादातर जापान में वो प्रधानमंत्री हो जाता है, अगर वही पार्टी सत्ता में रहती है, और सत्ता में LDP से मतलब है शिंजो आबे की जो पार्टी है उसका नाम LDP है। LDP ही 2001 से सत्ता में है, मतलब लंबे समय से वो सत्ता में है। इनसे पहले 2001 से लेकर 2006 तक जो प्रधानमंत्री थे उनके ये CCS रहे, और फिर इस इन 2006 के बाद ये खुद सत्ता में आ गए, और 2006 से लेकर 2020 तक सत्ता में रहे। और इन सब की खास बात यह है कि शिंजो आबे को भी उनके पहले प्रधानमंत्री ने इनको अपना अपने रहते हुए प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था, और इन्होंने अपने रहते हुए ये कहा था कि मेरे स्वास्थ्य कारणों से मुझे समस्या है, इसलिए अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और 2021 में फिर LDP का ही प्रधानमंत्री, जो इस समय प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, वो भी LDP पार्टी के ही हैं। कुल मिलाकर मैं कहूँ कि जापान की, या जापान की जो चाइना से, कम्युनिस्ट चाइना से कन्फ्लिक्ट है, उसमें इस परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है जापान से लड़ने में। और ये पहले प्रधानमंत्री 1945 के बाद हुए हैं, या मैं कहूँ कम्युनिस्टों के कब्जे के बाद हुए हैं, जिसने ये कहा है कि जापान का दुश्मन नंबर 1 अगर संसार में कोई है तो वो चाइना है।
चाइना कुदृष्टि जापान पर लगातार रखता ही है, उधर साउथ चाइना सी के नाम से साउथ चाइना सी पर वो लगातार अपने वो बना ही रहा है, जापान की टेरिटरी लगती है। जापान की सिक्योरिटी को अगर किसी से सबसे बड़ा थ्रेट है तो वो चाइना इस समय चाइना से है, और चाइना विस्तारवादी है इसलिए वो करते रहता। दूसरी बात, जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है नॉर्दर्न चाइना तो चाइना का ही हिस्सा, नहीं ऐसा नहीं, साउथ चाइना सी चाइना कहा जा, साउथ चाइना सी नाम है, नॉर्दर्न चाइना जो है वो सी के नाम से ही है, तो इसलिए उसको ये नहीं कहना चाहिए कि चाइना की टेरिटरी है, बल्कि वो उसका नाम नॉर्दर्न चाइना है लेकिन वो चाइना की टेरिटरी नहीं था, चाइना ने उस पर कब्जा किया था, जैसे तिब्बत पर चाइना ने बाद में कब्जा किया, जैसे शिनजियांग पर चाइना ने बाद में कब्जा किया, ऐसे ही चाइना जो आज का है उसमें 60% मोर देन 60% लैंड 1949 के बाद कम्युनिस्टों के बैठने के बाद उन्होंने विस्तारवादी नीति के तहत भारत की कब्जा की है, उन्होंने जापान की जमीन कब्जा की है, उन्होंने मंगोलिया की जमीन कब्जा की है, वो ताइवान उनसे ताइवान पर कुदृष्टि रखे हुआ है, जबकि ओरिजिनल चाइना ताइवान में ही बैठा हुआ है जो उस समय सत्ता में था जिस समय चाइना जिस समय ये कम्युनिस्टों ने कब्जा किया है, जो चिंग काई शेक हुआ करते थे वो भागकर फॉर्मोसा चले गए थे और फॉर्मोसा का ही नाम आज की तारीख में ताइवान है। तो जो नेशनलिस्ट चाइना हुआ करता था वही है, वो नेशनलिस्ट चाइना ताइवान ही लंबे समय तक अपने को चाइना डिक्लेयर करता रहा और यूएन में रिप्रेजेंटेशन भी उसका ही लंबे समय तक रहा। ये तो 1966 के बाद, बल्कि 1971 के बाद ये परिस्थितियां चेंज हुई हैं और इनको 1966 के बाद धीरे धीरे करके परिवर्तन आना शुरू हुआ और उनको रिप्लेस करके कम्युनिस्टों को स्थान दिया गया। पहले उनका ही स्थान होता था, 1966 तक तो चाइना परमानेंट मेंबर की तरह जो चाइना था वो ताइवान था, वो अपने आप को चाइना कहता था। तो ये जो चाइना इस समय का कम्युनिस्ट चाइना है वो अभी भी ताइवान को अपनी टेरिटरी मानकर ये मानकर चलता है कि उसको कब्जा करना है, भारत की तरफ भी वो कभी हिमाचल प्रदेश पर अपना हक बताता है तो कभी बताता है अरुणाचल पर है तो कभी इधर लद्दाख में बताने लगता है, कुछ ना कुछ वो विस्तारवादी नीतियों के तहत अपने सभी बॉर्डर्स पर करता ही रहता है। यही काम वो जापान की तरफ करता था। शिंजो आबे जी जो आज आप ये क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं इसका इनिशिएशन भी शिंजो आबे ने ही किया था, और शिंजो आबे ने उस समय इसको इनिशिएट करके क्वाड्रिलेटरल बनाया था। इसमें सिंगापुर हुआ करता था, इसमें जापान हुआ करता था, ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था, भारत और अमेरिका हुआ करता था। बाद में चाइना के दबाव में भारत ने 2008 में, यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार बैठी, भारत ने 2008 में क्वाड्रिलेटरल में भाग लेने से मना कर दिया और संगठन तोड़ दिया था। अभी 2015-16 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने फिर से शिंजो आबे जी की से उनकी दोस्ती थी, शिंजो आबे जी के नेतृत्व में या मैं कहूँ उनके साथ मिलकर फिर से क्वाड्रिलेटरल शुरू किए। सिंगापुर अभी भी उसका पार्ट नहीं बन पाया, उस समय सिंगापुर उसका पार्ट हुआ करता था। कुल मिलाकर बात यह आती है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के अंदर जो आज का चाइना बैठा हुआ है वो चाइना को शिंजो आबे का परिवार, केवल शिंजो आबे जी नहीं, शिंजो आबे का पूरा परिवार फूटी आंख नहीं समाता। तो मेरा अनुमान यह है कि ये मर्डर में भी संभव है कि इनका ही, चाइना का ही रोल हो, क्योंकि शिंजो आबे भले ही प्राइम मिनिस्टर ना हो लेकिन एलडीपी पार्टी का ही प्रचार कर रहे थे, चुनाव का समय है, तो एलडीपी पार्टी की तरफ से शिंजो आबे आज भी जापान पर शासन कर रहे हैं। वो सत्ता में, वो सीट पर नहीं है लेकिन उनकी ये महानता है कि वो शासन कर रहे हैं और उसके बावजूद अपने ही जूनियर्स को उन्होंने सीट पर बिठा रखा है। इसलिए चूंकि प्रोटोकॉल उनके साथ नहीं होगा, सामान्यता जापान में इतना सिक्योरिटी है या जापान में जो नॉन वायलेटिंग स्टेट है वहाँ इस तरह की घटनाएं होती नहीं हैं, लेकिन ये घटना हुई है तो इसके पीछे हो सकता है कि चाइना का कोई बड़ा हाथ हो, और चाइना के पार्टनर होने के नाते, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पार्टनर होने के नाते कांग्रेस भी उनका कहीं ना कहीं समर्थन कर रही हो, या उसके मन में भी एक पोलाइट व्यू चाइना के लिए हो, क्योंकि चाइना हंसी उड़ा रहा है, चाइना खुशियां मना रहा है शिंजो आबे जी की मृत्यु पर, तो कम्युनिस्ट जो भारत की कांग्रेस है ये कांग्रेस भी क्यों स्टेटमेंट दे। इसलिए मुझे लगता है कि उनका स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट आएगा भी तो आप देखिएगा बड़े किस अंदाज में आता है, या आया भी होगा तो किस अंदाज में आया होगा, ये देखने वाली बात है। ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आखिर क्या कन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ शिंजो आबे जी का, और क्यों चाइना जो है इस प्रकार की खुशियां मनाने की कोशिश कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।